सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिव यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रोज नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेकर, तो आज इस वीडियो में हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में जो एक नंबर है आधार नंबर, उस नंबर को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। फिर वेरीफाई करके आप देख सकते हैं वो नंबर आधार कार्ड के जो पोर्टल है उसमें रजिस्टर है या नहीं। तो एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था, मतलब कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट किया था कि सर कैसे आधार नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का जो वीडियो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो देखिए, मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउज़र से कर सकते हो। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना। फिर जो सर्च बार है, सर्च बार में आपको टाइप करना है जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है www.uidai.gov.in, तो इसको टाइप करके आप सर्च कर दीजिए। तो देखिए, मैंने टाइप कर दिया, टाइप करके सर्च कर दिया। तो सर्च करने के बाद आपको ऐसे एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर हम लोग जाएंगे जो माय आधार ऑप्शन है आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो माय आधार पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप इधर से ढूंढिए वेरीफाई एन आधार नंबर, तो इसी में ही हम लोगों को क्लिक करना होगा। तो देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे की इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो इधर आप देख सकते हैं वेरीफाई आधार, फिर आपको जो आधार कार्ड नंबर है आधार कार्ड नंबर इधर पुट करने के लिए बोल रहा है, फिर जो कैप्सा है कैप्सा को इधर पुट करने के लिए बोल रहा है। तो मेरा जो आधार नंबर है मैं आधार नंबर इधर पुट कर रहा हूँ, आपका जो भी आधार नंबर होगा इधर पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद जो कैप्सा है कैप्सा को इधर पुट कर दीजिए। अगर कैप्सा समझ में नहीं आए तो आप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्सा भी ला सकते हैं। फिर इसको ध्यान से टाइप करना है, जो कैपिटल है कैपिटल दीजिए, जो स्मॉल है स्मॉल दीजिए, जो नंबर है नंबर दीजिए। फिर आप प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, मैंने सब कुछ टाइप करके प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आधार वेरीफिकेशन कंप्लीटेड, मतलब आधार जो वेरीफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आधार नंबर आपका कौन सा है देखिए, आधार नंबर वो शो हो रहा है, शो होकर एग्जिस्ट बोल के आ रहा है, मतलब आपका जो आधार नंबर है आधार पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर है, मतलब ये सही है। फिर आप देख सकते हैं एज बैंड, तो 20 से 30 तक है मेरा। फिर जो जेंडर है मेल है, फिर जो स्टेट है स्टेट आसाम है। फिर आप इधर देख सकते हैं जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो कौन सा है, आप इधर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो आधार नंबर है वो लास्ट में है 792, तो ये मेरा रजिस्टर आधार नंबर है। फिर अगर आप चाहते कि दूसरा एक आधार नंबर वेरीफाई करना चाहते तो नीचे जो है वेरीफाई अनदर आधार नंबर, तो उसमें आप क्लिक करके दूसरा नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं।